चिन्ह को महाप्रभु जी ने देखा, उन दिव्य श्री नारायण के चरण चिन्हों को देखते ही धीरे धीरे हृदय में प्रेम का प्रकाश होने लगा। उसी समय छात्रों को कहा कुछ चरणों की महिमा तो गाओ। उसी समय छात्रों ने गोपी गीत के दो श्लोक, महाप्रभु चरण चिन्ह का दर्शन कर रहे हैं और छात्रों ने गोपी गीत के उन श्लोकों को गाया है। प्राण तदे हिना पाप कर्षनम त्रण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदा कामदम पद्मजार्चितम धरणि मननम ध्येयमापदि चरण पंकजम शन्तमं च ते रमण नाइसने वर पया दिहन। जैसे महाप्रभु जी दर्शन कर रहे थे, छात्र लोग गोपी गीत गाने लगे। गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम, हे नंद नंदन तुम्हारे ये चरण कमल प्रणत के समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। तृण चरानुगम श्री निकेतनम, आपके चरण कमल गैया बछड़ों के पीछे चलने वाले हैं। आपके ये चरण कमल श्री लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमल कालिया के सिर पर नाचने वाले हैं। हे नंद नंदन फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचेशुन कृंदयच्चयम, हमारे हृदय में आपके विरह की ज्वाला जल रही है। हे नंद नंदन श्याम सुंदर, अपने वे दोनों चरण कमल हमारे हृदय पर विराजमान कर दीजिए। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, आपके ये चरण कमल प्रणत की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी आपके चरणों की अर्चना करते हैं। हे नंद नंदन धरणी मंडनम, आपके चरण कमल इस धरा के आभूषण हैं। ध्येयमापदि, विपत्ति के समय ध्यान करने पर विपत्ति से मुक्त कर देने वाले हैं। हे श्याम सुंदर चरण पंकजम शंत ममचते रमण नहस्तनेश्वर पयाधियन, अपने वे चरण कमल जिनका लक्ष्मी जी आश्रय ग्रहण करती हैं, जो धरा के मंडन है, ब्रह्मा जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी शरण ले लेने पर जीव समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। हे नंद नंदन अपने वही चरण कमल हमारे हृदय पर विराजमान कर दीजिए, हमारे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। वे छात्र लोग इन श्लोकों को गा रहे थे, श्रीमन महाप्रभु जी चरण चिन्ह का दर्शन कर रहे। उसी समय हृदय के भीतर घनघोर विरह पैदा हो गया और श्रीमन महाप्रभु जी चरण चिन्ह का दर्शन करते हुए जोर जोर विलाप करने लगे। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे
करने लगे, हे मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर गोविंद राधा दामोदर कहाँ हो कहाँ हो, कहते कहते आंगन में लौटने लगे। जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए मछली तड़पती है, इस प्रकार गया जी के मंदिर में महाप्रभु जी लोटपोट होने लगे। छात्र आचार्य नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। श्रीमद महाप्रभु जी धरा से अपने मुख का घर्षण करते थे, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, श्याम सुंदर है गोविंद श्याम सुंदर राज बिहारी कहाँ गए कहाँ गए। यात्रियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई कहने लगा अरे ये कोई रोग है ये कोई व्याधि है। किसी ने कहा लगता है इनको कोई दौरा तो नहीं पड़ गया। सब अपनी अपनी तरह से विवेचना करने लगे। छात्र लोग महाप्रभु को संभालना चाहते थे पर महाप्रभु जी कृष्ण विरह में व्यथित हो रहे थे। उसी समय पाद पद्म मंदिर में एक और संत आए थे दर्शन करने को, पर वो कौन थे, वो थे श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी महाराज, भक्ति अंकुर श्री माधविंदपुरी पाद जी के लाडले शिष्य ईश्वरपुरी गोस्वामी जी। जैसे उन्होंने चीख पुकार कृष्ण हे शब्द सुना, भीड़ चीर करके आए, देखा जैसे जल के बिना मछली तड़पे ऐसे महाप्रभु कृष्ण हे कहते भूमि पे लुंठित हो रहे हैं। छात्रों ने कहा देखिए संत भगवान हमारे प्रभु को ये क्या हो गया, कैसे क्या हुआ। बोले अभी तक तो स्वस्थ थे, बस विष्णु पाद पद्म का दर्शन किया, हमने गोपी गीत के श्लोक गाए, बस चरण चिन्हों का दर्शन करते करते कौन विरह की ज्वाला इनके चित्त में प्रकट हुई हम नहीं जान पा रहे। ईश्वरपुरी जी ने कहा तुमने गोपी गीत के श्लोक गाए थे। हाँ, बोले छात्रों आपने जो श्लोक गाए ना गोपियों के विरह के, ये महाप्रभु जी उसी भाव में पहुंच गए हैं। यात्रियों को कहा भैया आप जिसको रोग बता रहे हो बीमारी दौरा बता रहे हो ये कोई रोग नहीं ये व्याधि नहीं, आज धन्य हो गए, ये तो इनकी देह में कृष्ण प्रेम का प्रकाश हो रहा है। इस धन के लिए इस प्रेम के लिए तो ब्रह्मा शंकर ललायत रहते हैं, आज इस कृष्ण प्रेम धन को देख कर हम धन्य हो गए। छात्रों ने कहा महाराज हम कुछ नहीं समझ पा रहे, बस आप ये बता दीजिए हमारे प्रभु स्वस्थ कैसे होंगे। ईश्वरपुरी जी ने कहा किन श्लोकों को गाया था। बोले गोपी गीत के प्रणत देही नाम और प्रणत कामदम श्लोकों को गाया था। बोले इनके चित्त में वो कृष्ण विरह पैदा हो गया है, अब शांत कैसे होंगे। बोले अब आप वो श्लोक बोलिए जिस श्लोक में रास बिहारी गोपियों के मध्य प्रकट हो जाते हैं। तब 31वें अध्याय में तो दशम स्कंद के गोपी गीत है, तब ईश्वरपुरी जी ने 32वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक बोला। बोले इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रपलन्तस्य चित्रधारुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और जब गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा में रोई तो क्या हुआ, सुखदेव भगवान कहते हैं तासामाविरभुशौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर स्रगवी साक्षान मन मथन मथ। गोपियों की पुकार सुनकर के साक्षात रास बिहारी राधा रमण गोपियों के मध्य रास मंडल में प्रकट हो गए, और जैसे श्लोक को गाया उन्हें श्रीमद महाप्रभु जी खड़े हो गए, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है मदन मोहन श्याम सुंदर राज बिहारी कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, फिर लुंठित होने लगे, फिर बार बार अपने मुख को पृथ्वी पे दर्शन करने लगे, हे मेरे गोविंद राज बिहारी कहाँ हो कहाँ हो। जैसे किसी को तीर लग जाए, तीर लगने के बाद वो घायल इधर उधर भागता है, इस प्रकार महाप्रभु जी प्रलाप करने लगे। बार बार ईश्वरपुरी संभालते हैं, हे गौर अपने आप को संभालो। छात्र लोग महाप्रभु जी को बार बार संभालते हैं। जैसे महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी जी को देखा, कौन महाप्रभु जी का पहले परिचय था, एक बार ईश्वरपुरी जी नवद्वीप पधारे थे, जो ईश्वरपुरी जी को देखा ईश्वरपुरी जी के चरण पकड़ लिए,
हे गुरुदेव भगवान दया करो दया करो दया करो, मेरा सारा जीवन व्यर्थ कामों में नष्ट हो गया। हे गुरुदेव भगवान इस अधम पर दया करो, गोविंद से मिला दो, मेरे इस जगत के बंधन को काट दो। ईश्वरपुरी जी ने कहा, अरे कौन सी कृपा की याचना कर रहे हो गौर? बड़ी बड़ी कृपाओं को प्राप्त करके, बड़े से बड़ा साधन करके जिस प्रेम की प्राप्ति की जाती है, वो कृष्ण प्रेम तो तुमको सहज प्राप्त है। अब ईश्वरपुरी तुमको क्या दे सकता है? महाप्रभु जी कहते हैं, नहीं नहीं गुरुदेव, मुझको दीक्षा प्रदान कीजिए, अधिक्षित जीवन पशु के तुल्य है। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हो अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, इस अथाह भवसागर को किमि पार कर पाऊंगा मैं। हे गुरुदेव दया करो दया करो दया करो। ईश्वरपुरी जी गोद में लेके महाप्रभु जी को संभालते हैं। हे गौर हे गौरांग धीरज धारण कर। पर महाप्रभु जी हा गुरुदेव हा गुरुदेव हा गुरुदेव कहकर पछाड़ खा रहे हैं। कृष्ण प्रेम का कृष्ण विरह का उदय हो रहा है। हे गुरुदेव मुझे कृष्ण मंत्र प्रदान कीजिए, कृष्ण दास बना दीजिए, मैं माया दास बना हूं, माया के बंधन को काट करके कृष्ण दास बना दो। ईश्वरपुरी जी कहते हैं, हे गौर अगर तुमको दीक्षा लिए से सांत्वना होगी, अरे यदि तुम ये कहो ईश्वरपुरी तुम्हारे प्राण देने से मुझे सुख मिलेगा, तो तुम्हारे सुख के लिए तो ईश्वरपुरी प्राण भी दे सकता है, दीक्षा देना तो फिर भी छोटी बात है। और तुम अगर जीवों को शिक्षा नहीं दोगे तो कौन देगा? मुझे पता है तुम कौन हो, तुम जगत गुरु हो, तुम्हारा गुरु कौन हो सकता है? पर धरा धाम पे आकर के इस गुरु मर्यादा को प्रकट करना चाहते हो, तो ईश्वरपुरी से जो सेवा लेना चाहते हो ईश्वरपुरी तैयार है। उस समय महाप्रभु विकल हो रहे थे, श्री ईश्वरपुरी जी ने महाप्रभु को संभाला है, हाथ पकड़ करके अपनी कुटिया में लेकर के गए हैं। उस समय महाप्रभु जी के मस्तक पर तिलक किया है, गले में कंठी बांधी है, और जैसे श्री महाप्रभु जी के कान में महामंत्र के पश्चात श्री गोपाल मंत्र श्रवण कराए हैं, पुनः महाप्रभु जी के हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रकाश हो गया और श्रीमन महाप्रभु जी पुनः भुजा उठा करके दीक्षा ग्रहण हुई है और अपने गुरुदेव के साथ भुजा उठा करके पुनः कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहते पुनः मूर्छित होते हैं। बार बार गुरुदेव सचेत करते हैं, आज कानों में मंत्र नहीं गया, मंत्र के माध्यम से मानो गोविंद चले गए। एक बार तो महाप्रभु को कृष्ण आवेश हुआ था, महाप्रभु जी कृष्णावेश में कहने लगे, मैंने ही गिरिराज उठाए, मैंने ही कालिया मर्दन किया, मैंने ही अघासुर बकासुर कांत किया। थोड़ी देर बाद फिर भाव में पलटी आई, कभी कृष्ण आवेश होता है कभी राधा आवेश होता है। जब महाप्रभु जी के हृदय में राधा भाव का आवेश होता है तब महाप्रभु जी कृष्ण है कहकर रुदन करने लगते हैं। आप गुरुदेव भी संभालने में असमर्थ हो रहे हैं, कैसे कैसे सांत्वना देते गोद में लेकर बैठे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी को किसी प्रकार शांत किया है। वो रात्रि गया जी में बीती है। अगले दिन चंद्रशेखर आचार्य जी बहुत घबराए, मन में विचार करने लगे, क्या करें, गौर को कैसे नवद्वीप ले जाएं, महाप्रभु जी तो वृंदावन की रट लगाए हैं। तब उस समय आचार्य जी को लगा कि गौर को शीघ्र ही अब नवद्वीप ले चलना चाहिए, अधिक समय यहाँ रहे तो कहीं हम गौर को खो न बैठे। उस समय श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया, हे महाप्रभु जी हमें नवद्वीप से आए अनेक दिन हो गए हैं, आपकी माता जी प्रतीक्षा करती होंगी, अब आप लौट चलिए। गुरुदेव भगवान को निवेदन किया, ईश्वरपुरी जी ने भी आज्ञा करी, हे गौर वृंदावन जाने का पीछे समय आएगा,
अभी तो तुम्हें बहुत पतितों का उद्धार करना है, वो जगाई मधाई प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो चांद काजी का कौन उद्धार करेगा गौर, अभी नवद्वीप। श्रीमन महाप्रभु को तो मानो शुद्ध नहीं है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बीच में कनाई नाटशाला ग्राम में रुके हैं, एक हाथ एक छात्र के कंधे पर, दूसरा हाथ दूसरे छात्र के कंधे पर, बस कृष्ण है कहते हुए दोनों आंखें ऊपर चढ़ी हैं, आंखों से अश्रु के फुहारे छूट रहे हैं, सारा शरीर शत विकसित हो रहा है, वस्त्र फटे हैं, अलकावली बिखरी हुई है। कई दिन की यात्रा करते हुए उल्टे गया जी से नवद्वीप लौटे थे। इधर शची मैया विष्णु प्रिया तो प्रतीक्षा कर रही थी, महाप्रभु को गए आज 3 महीने हो गए थे। रोज रोया करती थी दोनों, कब गौर का मुख दर्शन होगा। तभी किसी भक्त ने जाके शची मैया को समाचार दिया, गौर हरि आ रहे हैं। शची विष्णु प्रिया तो बावरी हो गई। शची मैया ने कहा, जल का पात्र लेकर के आओ, फूल माला लेकर के आओ, भोग तैयार करो, सुना नहीं विष्णु प्रिया मेरे गौर आ रहे हैं। माँ ने तो सोचा था उसी नदिया बिहारी का दर्शन होगा जो पीली पीतांबरी पहनते हैं और जिनकी अलकावली से इत्र टपकता है, लेकिन जो दूर से आज गौर को आते दिखाई दिए, आज तो गौर का विचित्र रूप है, अंग अंग शतविक्षित हो रहा है, वस्त्र फटे हुए हैं, सारी अलकावली रूखी हो गई है, और श्रीमन महाप्रभु जी दूसरों के कंधे पर हाथ धरे हुए कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, मेरे गोविंद कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, कोई कृष्ण से मिला दो, कोई हरि से मिला दो, ये कहते हुए धीरे धीरे छात्र लोग माताजी के निकट लेके आए। जो माताजी ने गौर को देखा, महाप्रभु तो अपना निवास स्थान भूल गए। छात्रों ने कहा, प्रभु सामने आपकी माताजी खड़ी हैं। तब माताजी का ध्यान करके नेत्र खोल के देखा, सामने शची माँ को देख के साष्टांग प्रणाम किया अपनी जन्मदात्री को। शची मैया ने गोद में ले लिया, आचार्य जी मेरे गौरांग को क्या हो गया, मेरा गौरांग गया तो किसी और दिशा में था, किसी और स्थिति में गया था, ये कैसी स्थिति होके लौटी है। आचार्य जी ने रोकर कहा, माँ गया जी तक सब कुछ ठीक था, विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया, गया जी में श्राद्ध किया, बस विष्णु पाद पद मंदिर में दर्शन करना गजब हो गया, फिर वो ईश्वरपुरी आए, जाने कान में क्या सुना गए, पर उस समय से गौर कृष्ण है कहकर रुदन ही कर रहे हैं। मैया ने कहा, मेरे गौर तुमको क्या हो गया, महाप्रभु जी अपने माता के चरण पकड़कर रुदन करते हैं, हे करुणामयी माँ, हे जन्मदात्री, मुझे आशीर्वाद दो, इस शरीर से कृष्ण प्राप्ति कर पाऊं। माँ जब तुम आशीर्वाद दोगी तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे, यदि इस मनुष्य शरीर को पाकर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उस मनुष्य ने अपनी माँ को केवल प्रसव की पीड़ा दी है, हे शची मैया, हे जगजननी, मुझे आशीर्वाद दो, कैसे मुझे गोविंद मिलेंगे, मेरा जीवन नष्ट हुआ जा रहा है, मैंने अपने जीवन की 20 वर्ष की आयु व्यथा नष्ट कर दी, कैसे गोविंद की प्राप्ति होगी, हा कृष्ण कहते मूर्छित हो गए। शची मैया ने कहा, खूब कृष्ण भजन करो, खूब कृष्ण भक्ति करो, घर में रहो, पर अपनी इस बूढ़ी माँ का ध्यान रखना, अपनी इस विष्णु प्रिया का ध्यान रखना। तुमको पता है मेरे विधाता ने एक आंख तो पहले फोड़ ही दी है, तुम्हारा भाई विष्णु विश्वरूप तो हमको त्याग के चला गया, अब हम दोनों अनाथनियों के तुम ही नाथ हो गौर। पर महाप्रभु तो सुन नहीं रहे, आवेश में कृष्ण हे कृष्ण। उस समय शची मैया विष्णु प्रिया महाप्रभु को पकड़कर भीतर लेके जाती है, बहुत प्रयास करने पर भी महाप्रभु प्रसाद नहीं पाते। तब शची मैया कहती हैं, विष्णु प्रिया रो रही थी, शची मैया कहती हैं, नहीं रो मत, देखो इतनी लंबी यात्रा करके आया है ना, थक गया होगा, अरे विश्राम करेगा तो ठीक हो जाएगा। विष्णु प्रिया अपने कक्ष में लेके जाओ, गौर को सेन कराओ, चरण सेवा करो, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, तुम भी हिम्मत छोड़ोगी तो कैसे होगा। तब कक्ष में जाके महाप्रभु जी को सेन कराती हैं, महाप्रभु जी शैया पर भी कृष्ण है कहते लुंठित हो रहे हैं। विष्णु प्रिया जी चरण सेवा कर रही हैं, महाप्रभु जी के हाथ दबा रही हैं।
थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी की निद्रा भंग होती है। विष्णु प्रिया को ही नहीं पहचान पाते। विष्णु प्रिया से कहते हैं, तुम कौन हो? विष्णु प्रिया कहते हैं, प्रभु मैं आपके चरणों की दासी विष्णु प्रिया हूँ। अच्छा, तुम विष्णु प्रिया हो ना, तुम कृष्ण प्रिया हो ना, तुम कृष्ण की प्रिया हो, तो तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, तो वो छलिया तुमको भी छल के चला गया। वो जितना सुंदर है, जितना प्यारा है, उतना निष्ठुर भी है। तुमको श्री कृष्ण ने छल लिया ना, रास में अंतर ध्यान हो गई ना, इसलिए रो रही हो। अब हम दोनों मिलके श्री कृष्ण को ढूंढेंगे। चलो 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 चलो, रास मंडल वृंदावन में कृष्ण को ढूंढ के लाते। विष्णु प्रिया कहती है, हे मेरे नाथ, मैं तो किसी कृष्ण को नहीं जानती। मेरे राम भी आप हो, मेरे कृष्ण भी आप हो, मेरे नारायण भी आप हो। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो कृष्ण दास हूँ, गुरुदेव ने मुझे कृष्ण दास बनाया है। विष्णु प्रिया, तुम कृष्ण विरह में रो रही हो ना? मैं कृष्ण विरह में नहीं रो रही, मैं तो आपके नाथ के विरह में रो रही हूँ। हे नाथ, मेरे कृष्ण तो आप ही हो। नहीं नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। विष्णु प्रिया बता दो, कृष्ण कहाँ छुपे हैं? मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरे शरीर में अग्नि लगी है, रोम रोम में पीड़ा होती है, किसी प्रकार नंद नंदन श्याम सुंदर से मिला दो। उस समय विष्णु प्रिया महाप्रभु जी को समझाने के लिए कह देती हैं, हे महाप्रभु जी, हे गौर, कृष्ण कहीं दूर नहीं है, कृष्ण तो आपके भीतर है, कहीं नहीं गए कृष्ण, कृष्ण आपके भीतर है, आप किनके लिए रो रहे हो? महाप्रभु जी कहते, क्या कहा? कृष्ण मेरे भीतर है, अपने तीक्ष्ण नखों से अपनी छाती को चीरने लगते हैं, देखता हूँ कहाँ है कृष्ण, निकाल डालूंगा अपने भीतर से कृष्ण को, देखे बिना मुझे धीरज नहीं हो रहा, बताओ कहाँ है कृष्ण, अपने सीने को चीरने लगते हैं, तीक्ष्ण नखों से सारा पक्ष सल लहू लुहान हो जाता है। विष्णु प्रिया हाथ पकड़ लेती है, मेरे नाथ न करो ऐसे, अनर्थ हो जाएगा, आपकी कोमल देह में नख के चिन्ह उभर आए हैं। हे मेरे नाथ, शांत हो, शांत हो, मेरी नहीं अपने बूढ़ी माँ के विषय में सोचिए, आपकी बूढ़ी माँ प्राण त्याग देगी। फिर महाप्रभु कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहते अचेत हो जाते। थोड़ी देर बाद शची मैया आती है, महाप्रभु जी के सिर पर हाथ फेरती है, हे गौर, तुमको पता नहीं, आज तुमने स्नान भी नहीं किया, तुमने संध्या भी नहीं की, तुमने सेवा भी नहीं की, तुमने प्रसाद भी नहीं पाया, तुमने प्रसाद नहीं पाया तो विष्णु प्रिया ने भी नहीं पाया, मैंने भी नहीं पाया, अपनी बूढ़ी माँ को भूखी रखोगी क्या?